झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज पलामू के चिनिया प्रखंड पहुंची और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ममता भुइयां के समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना ने कहा कि यहाँ की बेटी व बहू को जनता ने स्वीकार कर लिया है। यह जन सैलाब दिख रहा है कि इसका छाप ऐसा होना चाहिए कि यह कभी नहीं मिटे। आपके सांसद ने यहाँ अपना मुंह भी नहीं दिखाया। आपकी बेटी आपके पास रहेंगी। ईवीएम का नंबर और तारीख याद कर लीजिए और 13 मई को वोट के रूप में छाप दीजिए। कल्पना सोरेन ने कहा कि जुमले वाली सरकार को करारा जवाब देना है। जो एमपी बने हैं उन्होंने आपकी आशाओं को, आपकी आकांक्षाओं को बर्बाद किया है। हेमंत जी को भी इन लोगों ने साजिश के तहत जेल भेजा है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन लोगों ने खेला खेला है। कल्पना बोली, मेरे पति हेमंत जी ने जब अपनी 1,26,000 करोड़ का राजस्व की मांग की तो इन लोगों को दर्द हो गया और उन्हें जेल भेज दिया। इन पैसों से हम स्कूल बनाते, घर बनाते, सिंचाई के लिए काम करते। ये पैसा आपका था, आपका पैसा मांगा तो जेल के अंदर भेज दिया। 20 वर्षों से भाजपा ने शासन किया है, लेकिन आज झारखंड का हाल जस का तस है। जब केंद्र की सरकार हमारे झारखंड का पैसा रोककर दूसरे राज्यों को दे देते हैं। अबुवा आवास 20 लाख लोगों को दिया जाएगा। हरा कार्ड केंद्र सरकार ने कटवा दिया। पेंशन के लिए लोग तड़प रहे थे तो सर्वजन पेंशन योजना चलाई। छात्रवृत्ति के लिए जो काम किए हैं वो आज तक नहीं हुआ है। कल्पना ने पलामू में जनसभा को संबोधित करने के बाद एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है, मां गढ़देवी की पावन धरती गढ़वा में आज पलामू लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती ममता भुइयां जी के चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुई। भाजपा ने 20 वर्षों तक पलामू प्रमंडल को संसाधनों और मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा था। हेमंत जी ने पलामू प्रमंडल समेत झारखंड राज्य के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया तो डरकर तानशाही ताकतों ने उन्हें जेल में डाल दिया।
संविधान बदलने की सोच रखने वाली तानशाही ताकतों को पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता वोट की चोट से जवाब देगी। इस चुनाव में पलामू लोकसभा की जनता अपनी उस उम्मीदवार को चुनेगी जो उनके हकाधिकार उनकी बात संसद तक पहुंचाएगी। आप सभी से आग्रह है, 13 मई के दिन ममता जी को अपना आशीर्वाद देकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें।